शाहरुख खान अपने मुंह छिपाकर पहुंचे माता वैष्णो देवी के द्वार। आखिरकार मुंह छिपाकर क्यों किया है माता वैष्णो देवी के दर्शन, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। शाहरुख खान जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दिव्य मंदिर में आशीर्वाद देने पहुंचे। शाहरुख खान को भारी सुरक्षा के बीच कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करते देखा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शाहरुख ने कैजुअल सफेद टी शर्ट, नीली जैकेट, डेनिम और जूते पहने हुए थे। उन्हें देखकर लोगों की भीड़ ना लग जाए और वहां की व्यवस्था में मुश्किलें ना खड़ी हो जाए, इसलिए शाहरुख ने अपना चेहरा मास्क और हुडी से ढका हुआ था। उनके साथ काफी सारे गार्ड्स भी थे, कुछ स्थानीय पुलिसकर्मी और उनकी टीम के कुछ अन्य सदस्य भी थे। शाहरुख किसी से बातचीत करने के लिए नहीं रुके और उन्हें तेजी से मंदिर के अंदर जाते, प्रार्थना करते और मंदिर के बाहर निकलते देखा गया। सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की मंदिर की यात्रा का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। फैंस शाहरुख खान की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। बीते 9 महीनों में शाहरुख की यह मंदिर की दूसरी यात्रा है। इससे पहले उन्होंने अपनी फिल्म पठान की रिलीज से एक महीने पहले दिसंबर 2022 में मंदिर का दौरा किया था। सितंबर में शाहरुख की इस साल दूसरी फिल्म रिलीज होते को तैयार है। इटली द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर जवान में नयनतारा, तान्या मल्होत्रा, विजय सेतुपति और प्रिया मणि भी हैं। फिल्म का प्रमोशन शुरू हो चुका है और रिलीज डेट करीब करीब आ ही गई है। इस बीच शाहरुख खान जवान के प्री रिलीज कार्यक्रम के लिए भी पूरी तरीके से जम कर नाचते झूमते भी नजर आए थे। यह कार्यक्रम बहुत ही जबरदस्त रही। इनफैक्ट शाहरुख खान ने चेन्नई जाने की घोषणा को ट्विटर पर भी शेयर किया था। तो ऐसे में शाहरुख खान जबरदस्त तरीके से अपनी जवान यानी अपकमिंग फिल्म की अपकमिंग वेल सक्सेस के लिए उन्होंने ये दर्शन और ये प्रार्थना किया है। जिस तरीके से शाहरुख खान ने इस मंदिर के दर्शन के दौरान अपने चेहरे को छिपा रखा था, उसके बाद तो फैंस के बीच भी क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा वेल छा गई थी। ऐसे में आपको बता दूं कि अपने फिल्म के सक्सेस के लिए शाहरुख खान पहुंचे थे माता वैष्णो देवी के द्वार। तो आप भी डालें इनके वायरल तस्वीरों और वीडियो पर एक नज़र और अपने रिएक्शन देना बिल्कुल ना भूलें। अभी साथ यह फिल्म हो रही है 6 सितंबर को दुबई में एक विशेष स्क्रीनिंग के लिए जबरदस्त तरीके से तैयार। तो आप कितने एक्साइटेड हैं हमें बताएं कमेंट करके इन द कमेंट सेक्शन।